रखड़ी के त्यौहार नूं मुख रखते हुए पंजाब सरकार वालों करीब 5 महीने उपरंत लॉकडाउन के चलदे ऐतवार नूं जो बाजार खुलण दे आदेश दिते सन उस नाल दुकानदारां दे चेहरियां ते रौनक वेखण नूं मिली है। रखड़ी के त्यौहार के संबंध में जिसनों दुकानदार साल भर उड़ीक करते रहते हैं, त्यौहार के आने पर हलवाइया दुकाना, मनियारी दुकाना, कपड़े दुकाना आदि भारी रौनक वेखण मिलती है। उत्थे ही आमदन वधन कारण दुकानदारों के चेहरों पर रौनक होती है। अज दसूहा विच लंबे समय उपरंत बाजारों में देखने मिलिया है कि ये दुकानदार काफ़ी खुश हैं, क्योंकि सरकार वालों अज ऐतवार को दुकाना खोलने की इजाजत दी गई है, जिस करके उन्होंने काफ़ी राहत मिली है। अज रखड़ी दा त्यौहार जी साडा बहुत वधिया रहा, बड़े चिर बाद साडे दुकान खुलिया ने, ते सरकार दा जिहड़ा फैसला सानू बहुत वधिया लगा। ते किन्नी देर बाद, किन्ने महीने बाद इदां दी रौनक देखण नूं मिली है? घट तो घट 5-6 महीने बाद दोबारा बाजारां च चहल पहल रौनक में देखण नूं मिली। ठीक है, असीं सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं ये वास्ते कि जो सरकार ने इन देर बाद एक ऐतवार साडा त्यौहार खोलने वास्ते सानू मौका दिता है। समाजिक दूरी ते मास्क पाउण बारे की कहना चाहते हो? मास्क भाई इस तरह कि जो कस्टमर को नहीं मास्क होंगे उन्होंने असं खुद प्रोवाइड कराने, अदरवाइज लिख के भी लगाया हुआ कि मास्क जरूरी है। बहुत वधिया फैसला लिता सरकार ने, रखड़ी दियाँ बहुत रौनक बाजार के काफ़ी चहल पहल देखने मिल रही है, और असी नाल नाल समाजिक दूरी का भी ध्यान रख रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, और रखड़ी खरीदने वाले नूं मास्क भी फ्री दे रहे हैं आपां, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपां कोरोना वायरस से भी फतेह पानी है, और जागरूक होकर सैनिटाइजर की वरतों करके अपने समाज को साफ सुथरा बनाना है। पंजाब में कोरोना वायरस लगातार वाधा जा रहा है, जिसका असर त्यौहारों पर पैंदा नज़र आ रहा है। बेशक पंजाब सरकार ने रखड़ी के त्यौहार के मद्देनज़र दुकाना खोलने की इजाजत दिती है, पर बाजारों में रौनक गायब हैं। जेकर तलवंडी साबो की गल करिए, इत्थे दे दुकानदारों का कहना है कि कोरोना वायरस करके रखड़ी का त्यौहार मंदा है, बाजारों में रौनक गायब हैं। पहला दे नालों 10% काम भी है नहीं जी, पहला इन्ना काम हुंदा सीगा कि साडे कोल एक भी रखड़ी वजदी नहीं सी, लेकिन अज सारे डब्बे बंद दे बंद उस तरह ही पए ने। ये कितना कितने कोरोना वायरस नूं लैके, कोरोना वायरस नूं लैके, ते हुण तुसीं आस सानूं दिंदी है वी रखड़ी दा आस नहीं दिंदी, सारा दिन खत्म हो रहा है जी जी, इहदा मतलब कोरोना वायरस मंदी दा कितने मंदी दा काम है। रखड़ी के त्यौहार को लेकर जलंधर पुलिस ने शहर के मुख्य बाजारों से दुकानों की चैकिंग की है। रखड़ी के त्यौहार को लेकर जलंधर डिप्टी कमिश्नर ने दुकाना खोलने की इजाजत दी है। थाना 4 के SHO रशपाल सिंह का कहना है कि रखड़ी का त्यौहार करके जलंधर के रैनक बाजार के मुख्य बाजार की चैकिंग की गई है। कल रखड़ी का त्यौहार आजार जरा वा रैनक बाजार खुला वा रखड़ी का त्यौहार करके, इस करके एंटी सपोर्टी बुला के असं डॉग स्पॉट वगैरह मंगा के प्रोपर चैकिंग कर रहे हैं, कोई इदा की कोई अनुसारी घटना ना हो, प्रोपर चली है चैकिंग की जा रही है। तो कैसे कोई शकी चीज़ भी दिखी है अभी तक? नहीं, कोई नोटिस नहीं आई जी, अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है। जिथे अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, केंद्र सरकार वालों काफ़ी रियायतां भी लोगों को मिल चुकी हैं। रखड़ी के त्यौहार को देखते हुए पंजाब सरकार वालों भी लोगों की सहूलत और सेहत को देखते हुए पंजाब रोडवेज वालों स्पैशल बसा चलाई जा रही हैं, जिस दे विच बसा पूरी तरह लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइज किया गया है। इस तो अलावा ड्राइवर और कंडक्टर भी स्पैशल तौर पर इस कोरोना महामारी दौरान तैयार किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को रखड़ी से किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। देखो जी, पंजाब सरकार वालों जो ट्रांसपोर्ट महकमे जी है ना, खास तौर पर हदायत जारी हुई ने कि रक्षाबंधन के त्यौहार के चलद शनिवार, ऐतवार, सोमवार तो मंगलवार तक स्पैशल बसा जरा जिन्हें साफ सफाई करके सैनिटाइजर करके वधिया स्टाफ उत्ते लाया गया, सवारियां नूं होर जिहड़ा वा वो बेनीफिट देने वास्ते वक्ख वक्ख बस स्टैंडां ते एक्सट्रा स्टाफ भी लाया गया भी कोई भी बस ड्राइवर जिहड़ा वा किसी अड्डे ते भी कोई सवारी छड्ड के ना जावे, पर इन्ना प्रबंध होने के बावजूद भी सवारी जिहड़ी वह बहुत घट वा, क्योंकि साढ़े गुआंढी राज J&K ते हिमाचल बंद होण करके साढ़े डिपार्टमेंट का काफ़ी जिहड़ा वो नुकसान हो रहा, तो फिर भी यही है अपनी जिहड़ी आ पठानकोट तो जलंधर, पठानकोट तो अमृतसर, पठानकोट तो लुधियाना राजपुरा, तो पठानकोट तो मोहाली, जी 5-6 रूटा जी सर्विस दे रहे हैं,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੇ ਵੀ ਡਰ ਖੋਫ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜੇ 52 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਏਜ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।